जमशेदपुर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक जारी है, जहां 12 घंटे के भीतर बेखौफ बाइक सवार बदमाश सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाराद्वारी के समीप नवजीवन पैथोलॉजी में जांच कराने पहुंची महिला जैसे ही ऑटो से उतरी, पीछे से बाइक सवार दो युवक झपट्टा मारे और चैन में लगे लॉकेट को लेकर फरार हो गए। महिला जमीन पर गिर पड़ी, महिला के पैर में चोट भी आई है और गर्दन में भी चोट आई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 12 घंटे के भीतर लगातार छिनतई की यह दूसरी घटना है। गौरतलब है कि शुक्रवार तड़के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास दो अपराधियों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का प्रयास किया था। हालांकि स्थानीय लोगों और क्यूआरटी के सहयोग से दोनों युवकों को पकड़ लिया गया था, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि इन दिनों शहर में झपट्टा मार गिरोह का आतंक काफी बढ़ गया है, जहां आए दिन गिरोह के सदस्य किसी न किसी थाना क्षेत्र में राह चलते लोगों, महिलाओं एवं युवतियों से छिनतई की घटना को अंजाम देने में लगे हैं। वैसे ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली ही रहे हैं। पदमा में हम फिजियोथेरेपी के लिए आए, ऑटो से उतरे अचानक बाइक से दो ठो लड़का, एक तो ग्रीन टी शर्ट पहना था, एक तो मतलब अचानक चैन हम पूरा गिर गए। अच्छा। नीचे भर पूरा पैर में चोट लगा, गला उला पूरा खिला गया। उसके बाद वो भाग गया, हम फिर यहाँ आए इनके यहाँ पर फिजियोथेरेपी के लिए, तो बैठे लोग मतलब दवा उबा लगा, अभी फिजियोथेरेपी भी नहीं हुआ है, पानी उनी पीला, लॉकेट लेके भाग गया। हाँ, चैन ऐसी था, लॉकेट था दुर्गा जी का 5 ग्राम 6 ग्राम आते थे, लेकिन अगस्त के बाद हम आज पहला दिन आए, हमको कल से बहुत दर्द था, तो हम इनसे बात किए तो बोले आइए ट्रीटमेंट करो, कोरोना के वजह से हम नहीं आए।